अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़नीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज जो हम आपको बनाना सिखा रही हैं वो है क्रीम फ्रूट चाट। और क्रीम फ्रूट चाट बहुत इजीली आप अपने घर में बना सकते हैं क्योंकि गर्मियों का सीज़न है और बहुत सारा फल है। अगर आप लोग चाहें तो अपनी मर्जी का दीगर फल इस्तेमाल करते हुए चाट को बना सकते हैं। तो चलते हैं मम्मा की तरफ और जानते हैं मम्मा से कि मज़ेदार से जो से क्रीम चाट की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने क्रीम बोल में डाल लेती हूँ। ये दो डिब्बे जो से हमने हैं वो क्रीम के लिए हैं। ये ना मैं ना इसके बाद में इसे फेंट लूँगी और इसमें ना हमने बीट किए बगैर यूज़ नहीं करना है, इसको बीट करना है। तो मम्मा, जब आप उसको बीट करेंगे तो इसके अंदर कुछ ऐड भी करेंगे लाइक कुछ? हाँ जी, वो ना वो चीनी भी डालनी है, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, वो अपने टेस्ट के मुताबिक आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जरा हम फलों को उतारते हैं। हमने एक डोसा है होटल का लिया है कैन, ठीक है। और यहाँ पर मैंगो है, आलू है, सेब है, एप्पल और कॉकल। और यहाँ पर हम लोग जो है इसको क्रीम को बीट कर रहे हैं। तो भी बस आप लोगों ने यही जाना हमारे वीडियो को पूरा देखना है कि किस तरह मुझे बात जो चाट है वो क्रीम चाट वो आज तैयार हो। ब्लैक पेपर, और अब हम इसको शामिल कर रहे हैं नमक। और जो सी ग्रैंड की भी हम लोग चीनी के अंदर शामिल कर रहे हैं ताकि जो सी इजीली वो मिक्स हो जाए। 1 टेबल स्पून हम लोगों ने जो सी शुगर है वो ऐड किया। तो अगेन इसको अच्छे से हम लोग बीट करेंगे। हम लोगों ने जो सी क्रीम बीट कर ली है, इसके अंदर मम्मा ने फ्रूट कॉकटेल का पूरा जो सा टीम पैक है वो डाल दिया है। और यहाँ पर फल जो से वो भी काट लिए हैं तो वो भी मम्मा डाल रहे हैं। ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया, ये सेब थे, देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा हो गया। आप बनाएं जरूर इंशाल्लाह, बहुत फल घर में मौजूद होते हैं। ये आलू और तो बहुत ज्यादा माशाल्लाह फल आ रहे हैं गर्मियों की वजह से। आप अपनी मर्जी के सारे फल डाल दें चाहे। कुछ लोग खरबूजा भी डाल लेते हैं लेकिन हम लोग नहीं, मतलब डालते, हमें नहीं वो पसंद। नहीं, वो नहीं, खरबूजा नहीं, खजूरें भी डाल लेते हैं क्योंकि खजूरें हमें नहीं पसंद, इसलिए हमने कहा मम्मा नहीं डालने। मैंगो, माशाल्लाह मज़ेदार से जो सी हमारी है क्रीम फ्रूट चाट वो तैयार हो गई है। तो बहुत ही ईजी थी बनानी, आज हमने आपके साथ इसकी रेसिपी को शेयर किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो ये सूखा मेवा भी डाल सकते हैं, मतलब बादाम वगैरह, हाँ जी वो भी डाल सकते हैं। पर मैंने इसलिए नहीं डाला तो मेरे बच्चे नहीं खाते। जो हमारे घर में हमारे कज़न आए हैं वो कौन सा खाते हैं? वो भी नहीं खाते। तो बस ये है ना कि वो बच्चों को छुट्टियाँ थी ना कॉलेज यूनिवर्सिटियों से, तो फिर बच्चे आ जाते हैं। ये देखिए ये मैंने खूबसूरती के लिए ना ये निकाले चम्मच। हाँ जी चलो निकाल लें बेटा आप चम्मच। और देखिए माशाल्लाह, वाओ माशाल्लाह ये हो गया है। हमारे घर में ना वो माशाल्लाह मेहमान वगैरह आए हुए हैं तो वो इतना मतहल्ला गुल्ला हो रहा है। तो व्यूअर्स ये है हमारी क्रीम फ्रूट चाट का फाइनल लुक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी हमारी आज की रेसिपी है जो फ्रूट चाट की हमने आपको सिखाई है पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को किसी तरह का सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो व्यूअर्स देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआओं में दुआ में याद रखिए। व्यूअर्स देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा, हम आपके लिए दुआओं हैं। अल्लाह हाफिज़।